हेलो एंड एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर आई एम स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में पहला चैप्टर के ऊपर हम लोग थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आज का जो टॉपिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कैसा था इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जानने की कोशिश करेंगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट इट सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि वॉट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है हिंदी में इसे बुनियादी सुविधाएं कहते हैं डेफिनेशन देखते हैं सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली सेट ऑफ फंडामेंटल फैसिलिटीज़ विच आर नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एंड एंटरप्राइज एक्सेस्ट्रा लाइक एग्जाम्पल करें एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करें आपको कहीं घर बनाना है तो आपको जहाँ घर बनाना है तो आप अगर कहीं घर बनाना है दैट मीन्स कि आपको कुछ फंडामेंटल सुविधाएं चाहिए देयर मस्ट बी रोड देर बिजली आनी चाहिए एंड उसके आसपास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएँ होनी चाहिए एंड बिसाइड दैट आज कल के ज़माने में तो वहाँ नेटवर्क कनेक्शन भी होना चाहिए ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपका कम्युनिकेशन बनता रहे सो so, आपको कुछ फंडामेंटल फैसलिटीज़ चाहिए कोई भी मेजर ऑपरेशन को शुरू करने के लिए लाइक like, आपको बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही चाहिए बिजली आनी चाहिए चौबीस घंटे दैन रोड्स शुड भी देयर ट्रांसपोर्टेशन uh, के लिए जीव जंतु के आवागमन के लिए आपके रॉ मटेरियल के आवागमन के लिए आपके बिजनेस में जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सो दीज ऑल आर काउंट्स इन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाएं इसी को कहते हैं सो so बुनियादी सुविधाएं और दिन्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट अट ऑफ फंडामेंटल फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग और ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड एंटरप्राइजेस एक्सेस्ट्रा एंड एक्सेस्ट्रा नाउ कमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश कलोनियल रूल शुरुआत करेंगे रोड्स के साथ रास्ते कैसे थे यू कैन सी द मल्टी लेन रोड ना रास्ते कैसे थे तो रास्तों का उतना ज्यादा नेटवर्क नहीं फैला हुआ था इनक्यूएट कंस्ट्रक्शन इनसफिस था जितनी ज्यादा जरूरत थी उस उतने रोड्स नहीं बनाए गए थे ड्यू टू तो स्कॉट सिटी ऑफ फंड्स एंड रोड्स भी जो बनाए जाते थे वो बहुत कमजोर बनाए जाते थे यानी कि ऑल वेदर रोड्स नहीं बनाए जाते थे ऑल वेदर रोड्स मतलब जो बारह महीने चल सके ऐसा नहीं कि बारिश में खराब हो जाए सो so, ऑल वेदर रोड्स नहीं थे क्योंकि इंटेंट ही नहीं था गवर्नमेंट का एंड फंड्स की भी कमी हुआ करती थी बट जो रोड्स थे भी तो उनको भी ब्रिटिश अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही बनाया था उन्होंने सो उनसे यूज़ कैसे किया जाता था उनका टू मोबिलाइज़ द आर्मी ब्रिटिश आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए लाइक अगर कहीं रिवोल्ट हो रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या जो रॉ मटेरियल्स होते थे दूरद्रस्त इलाकों में गांव देहात से फीड से खेत से उठाया जाता था रॉ मटेरियल्स एंड उसको फिर रेलवे स्टेशन एंड पोर्ट्स तक लाना है तो रोड्स वुड बी रिक्वायर्ड तो उसके लिए रोड्स का इस्तेमाल कराया जाता था दैन जो फिनिश गुड्स आते थे यूरोप से ब्रिटेन से उसको फिर दूर दराज यू you नो know, शहरों के मार्केट में गांवों के मार्केट में बेचना है तो उसके लिए रोड्स का उसके लिए रोड्स को इस्तेमाल कराया जाता था तो रोड्स का बेसिकली आप देखेंगे तो ब्रिटिश कॉलोनी डड़ा में तीन यूज होता था मोबिलाइज टू मोबिलाइज द आर्मी देन शिफ्टिंग ऑफ रॉ जो कि गाँव से उठाता था, 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 था रॉ मेटेरियल देन उनको शहर के थ्रू होते हुए रेलवे स्टेशन पोर्ट्स के थ्रू ब्रिटेन भेजा जाता था एंड देन जो ब्रिटेन से फिनिश गुट्स आता था उनको फिर गाँव देहातों में बेचा जाता था बेसिकली मार्केट एक्सेस के लिए भी रोड्स का इस्तेमाल किया जाता था सो दैट वॉज द यूज ऑफ रोड्स एज पर दस्पेक्टिव ऑफ कलोनियल इंटरेस्ट क्योंकि रोड्स को भी एंड जितने भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया वो अपने कलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही किया था तो रोड्स वॉज वन ऑफ दम अगला जो आता है हमारे पास कैटेगरी वो है रेलवेज बहुत ही विवादास्पद चीज़ रेलवेज़ देख सकते हैं आप एंटीक पीस रेलवे ऐसे ऐसे इंजन आपको आजकल म्यूजियम्स में मिल जाएंगे दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेल म्यूजियम है वहाँ जाके आप बहुत एंटीक एंड रेलवे की बहुत बड़ी हिस्ट्री को जान भी सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट है किस तरीके से एवोल्यूशन होता है सो so, रेलवेज बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद टॉपिक है इंटेलेक्चुअल्स ऐसा भी कहते हैं कि रेलवेज़ लाइक अ गिफ्ट फॉर इंडियंस फ्राम ब्रिटिश तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इज़ रेलवे अ गिफ्ट फ्राम ब्रिटिश टू इंडिया सो शुरुआत करते हैं शुरू से रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एटीन फिफ्टीज़ में लॉर्ड डल हौजी बहुत बड़ा एक्सपेंशनिस्ट उसी ने पोस्टल सर्विस में भी रिवोल्यूशन लाया था सो लॉर्ड डल हौजी के समय में रेलवे को इंट्रोड्यूस करा जाता है एंड उसी ने पहली बार उसी के टाइम में पहली बार अब देखेंगे तो थाने से ले कर मुंबई से ले कर सॉरी थाने तक ट्रेन भी चली थी एटीन फिफ्टी थ्री में तो जब रेलवेज आता है उसके पीछे ब्रिटिशर्स के अपने हिडन मोटिव्स भी थे इसीलिए रेलवेज़ के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको भी देख लेते हैं एंड उसके बाद जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे उसको भी देखेंगे ताकि हमारे पास एक प्रॉपर एनालिसिस हो एंड हम के कंक्लूजन पे पहुंच सके सो फर्स्ट द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट तो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवे को देख लेते हैं एंड इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं पहला पॉइंट जो होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट में कुछ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने असर किया था वो यही पॉइंट है इस पॉइंट में क्या दिया हुआ इट हेल्प जब रेलवेज का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में जब रेलवेज का ईजाद होता है तो इट हेल्प टू ब्रेक द कल्चरल एंड जोग्राफिकल बैरियर्स ऑफ इंडिया होता क्या है इंडिया इज अ कंट्री ऐसा लोग कहते हैं बट इंडिया इज अ कंटिनेंट बेसिकली यहाँ पे अट्ठाईस उनतीस तीस देश अंदर में रह रहा है सो बेसिकली जिसको आप स्टेट्स कहते हैं वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात वो अपने आप में कंट्री है यूरोप में जाएंगे आप तो इतने छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉपुलेशन के कंट्रीज होते हैं तो एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो नॉर्दर्न यूरोप में एक कंट्री आइसलैंड और एक सदर्न यूरोप में एक कंट्री इटली तो आइसलैंड और इटली में इतनी समानताएँ थी जितनी है बंगाल और मद्रास में भी नहीं थी सो दैट वाज यू नो द बाइफ़र्गेशन ये क्यों था कम्युनिकेशन बैरियर्स के चलते क्योंकि मत, तमिल कभी बंगाल से नहीं मिल पाते थे तमिल कभी गुजरातियों से नहीं मिल पाते थे गुजराती कभी बिहारियों से नहीं मिल पाते थे बिहारी कभी पंजाबियों से नहीं मिल पाते थे ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर तो इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करा रेलवेज़ ने आके रेलवेज के आने के बाद से जोग्राफिकल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स को धीरे धीरे ख़त्म किया जाने लगा तमिल बंगाली के क्लोज आने लगे नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया को क्लोज आने लगा असामिस गुजराती को क्लोज आने लगे इससे क्या हुआ कि एक सेंट्रनाइजेशन बन सका ताकि जिससे चल के जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम एक तरीके से एक कॉन्टिनेंट को हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंट्री को नहीं रूल कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉन्टिनेंट को रूल कर रही है जिसके अंदर अट्ठाईस उनतीस देश हैं तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है ये बिना सिंक्रोनाइज किए बिना कल्चर को सिंक्रोनाइज किए बिना इंटेलेक्ट्स को सिंक्रोनाइज किए बिना डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को सिंक्रोनाइज किए एंड बिना डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किए ये पॉसिबल था नहीं तो हम एक पटल पे आए उसमें रेलवेज ने बहुत बड़ा योगदान दिया रेलवेज एक्चुअली गिव अस अ प्लेटफॉर्म अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट तो रेलवेज वन ऑफ द कॉमन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट एंड रेलवेज ने बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो एक तो कम्युनिकेशन गैप विभिन्न रीजन के बीच था लाइक जो सदर्न रीजन होते थे नर्दर्न रीजन से उनका कोई कनेक्शन नहीं था गुजरातियों का अरुणाचल प्रदेश के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं था बिहारियों का मराठी लोगों से कोई कनेक्शन नहीं था सो इसको तो कम किया ही किया एंड रेलवेज ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया लाइक like रेलवेज में आप देखेंगे उस जमाने में कास्टिज्म अपने चरम पे हुआ करता था लाइक like जो ऊंची कास्ट के लोग होते थे वो छोटे कास्ट के लोगों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते थे लेकिन रेलवेज में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं कि ऊंचे क्लास के लिए अलग सीट एंड मतलब जो छोटी जाति के लोग हैं उसके लिए अलग सीट तो सब एक साथ बैठ के यू you नो know, जीव जंतुओं का आवागमन हुआ इससे क्या हुआ इंटरेक्शन बढ़ता है एंड इंटरेक्शन बढ़ने से क्या होता है शेयर चीज़ें शेयर होती है आइडियाज़ एंड जो भी रिवोल्यूशनरी चीज़ें हैं वो शेयर करी जाती हैं एंड इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि देश हमारा जो इंडिया है वो उसमें डिफरेंट कल्चर्स का सिंक्रोनाइजेशन होता है एंड अल्टीमेटली इंडिया विद जब आज़ाद होता है तब एक जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसको सुविधा हुई कि हम इसको रूल कर सकते हैं बोली बिकॉज इंडिया वॉज सिंक्रोनाइज एट दैट टाइम कि सारे लोगों ने इस बात पर मंजूरी दी कि हाँ हम एक देश में रहेंगे इंडिया इज आवर कंट्री सो लोग कल्चरल एंड जोग्राफिकल बैरियर्स को अगर दूर तलक रख के एक देश के निर्माण के लिए योगदान देते हैं उसमें रेलवेज़ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके बाद देखेंगे तो रेलवेज ने उस समय एपिडेमिक्स बहुत ज़्यादा आते थे आई अकाल बहुत ज़्यादा आते थे तो उस समय जो एसेंशियल चीज़ें हैं लाइक फूड ग्रेन मेडिसिन उसके यू नो मूवमेंट्स में बहुत तेज़ी आई रेलवे के चलते उसके ट्रांसफ़र को उसके डिलीवरी को अब जल्द किया जाने लगा सो दैट वॉज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज़ एंड तीसरी चीज़ कि डोमेस्टिक मार्केट का सिंक्रोनाइजेशन हुआ यानी कि जो गुजरात का एक कारोबारी है वो अब ये बात जान चुका था कि मेरे सामान की बिक्री अब बंगाल के मार्केट में भी हो सकती है क्योंकि रेलवेज़ ने जो समय हो लगता था आवागमन का उसको कम कर दिया है तो गुजरात का सामान बंगाल में भी बिकने लगा बंगाल का सामान पंजाब में भी बिक सकता था पंजाब का सामान मध्य प्रदेश में भी बिक सकता था मध्य प्रदेश का सामान आसाम में भी बिक सकता था तो बेसिकली रेलवेज वॉट रेलवेज डिड उसने क्या किया वो डोमेस्टिक मार्केट को सिंक्रोनाइज करता है एंड उससे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है अब गुजरात के व्यापारी के लिए केवल गुजरात के पॉपुलेशन को ही सर्व करना नहीं था वो चाहता तो मध्य प्रदेश भी जा सकता है वो यूपी में उत्तर प्रदेश में भी अपने सामान को बेच सकता है सो दैट वॉज बेसिकली द अपॉर्चुनिटीज़ ओपन फॉर ट्रेडर्स नगेटिव इम्पैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं

यू uh, नो you know, अगर खेतों से रॉ उठाया गया गए रोड्स के थ्रू रेलवे स्टेशन लाया गया उनको एंड रेलवे के थ्रू उनको पोर्ट्स तक ले जाया जाता था एंड पोर्ट से वो वापस ब्रिटेन जाते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स बन के आता था <laughs> तो इन सब चीज़ों में आप देखेंगे तो रेलवेज ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई कि खेतों से उठ के रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू रेलवे आता था एंड रेलवे स्टेशन से उसको रेलवेज के थ्रू भेजा जाता था पोर्ट्स के पोर्ट्स तक यू नो बंदरगाहों तक एंड उसके बाद वही चीज़ फिनिश गुड्स में भी होती थी फिनिश गुड्स बंदरगाह में पहुंचे एंड देन वहां से रेलवेज के थ्रू उनको शहरों में पहुँचाया जाता था एंड देन शहरों में रोड्स के थ्रू उनको फिर मार्केट में पहुँचाया जाता था सो बेसिकली रॉ मेटेरियल्स कुछ भी कुड भी इजिली शिफ्टेड एंड फिनिश गुड्स कुड भी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज तीसरा पॉइंट आप देखें तो एनहैस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शलाइजन अपने चरम पे तो था ही क्योंकि कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही थी एंड यहाँ के फार्मर्स को एक तरह से लत भी लग गई थी पैसा कमाने की क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों तक एड एज एग्रीकल्चर को सबसिसटेंस रूप से किया था कि केवल गुजर बसर करने के लिए एग्रीकल्चर करते थे पहली बार एक कमर्शलाइजन का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कमर्शलाइजेशन हर मायने में ख़राब नहीं कह सकते कमर्शलाइजन का एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पहलू ये है कि जो किसान थे उन्होंने पहली बार खेती को एक बिजनेस के रूप में देखा उन्होंने ये देखा कि खेती को हम बिजनेस के रूप में चला सकते हैं खेती से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं खेती फार्मिंग इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ये समझ में आया यहाँ के फार्मर्स को एंड जब ये चीज़ समझ में आई तो वो और ज़्यादा कमर्शलाइजन की तरफ इंक्लाइंड होते जाते हैं एंड जब ज़्यादा कमर्शलाइजन की तरफ इंक्लाइंड होने जाएंगे तो फूड ग्रेन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड फूड ग्रेन्स अगर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली फेमिल्स आएंगे एंड लोगों की मृत्यु होगी सो इससे कमर्शलाइजन भी यू नो एनहाइंसड होता है कमर्शलाइजन की जो रफ्तार थी उसको भी इन्हें यू नो तेज़ी मिलती है एंड इससे अल्टीमेटली फेमिनटली कमर्शलाइजन के जो भी एडवर्स इफेक्ट थे लाइक यू नो अनफर्टाइल हो जाते थे बैर हो जाते थे एक टाइम आने के बाद सो दैट वॉज बेसिकलीगेटिव आस्पेक्ट ऑफ रेलवे एंड जो सबसे लास्ट था कि रेलवे ने जैसा आपने देखा कि फॉरन ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कि रॉ मटेरियल्स लेके आते थे रॉ मटेरियल्स का यू नो शिफ्टिंग होता था गाँव देहातों से फिर पोर्ट्स तक एंड फिर फिनिश गुड्स पोर्ट से लेके शहरों के मार्केट तक तो पहुंचाए जाते थे रेलवेज़ के थ्रू तो इसमें ये सारा का सारा जो तंत्र था ये ब्रिटिशर्स को ही फायदा देता था इसमें ये जो साड़ा का साड़ा तंत्र आप देख रहे हैं ब्रिटिशर्स को ही फायदा देता था यहाँ पे जो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लासेस थी इंडियन कैपिटलिस्ट क्लासेस टाटाज बिरलास एंड ऑल भी जो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लासेस नेटिव एंटरप्रेन्योर्स थे उनको बहुत कम फायदा पहुंचता है क्योंकि उनके पास उतना एक्सेस नहीं था रेलवेज का ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही पूरा इस, इस रेलवेज के यू नो एफिशिएंसी को हार्नेस करती है रेलवेज की अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करती है बहुत कम

सो दैट वॉज बेसिकली द पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट सो यहाँ आपने सारी चीज़ों को एनालाइज करा रेलवेज ने जहाँ कल्चरल एंड जोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा वहीं पर रेलवेज के आने के बाद कलोनियल एक्सपेंशन ज्यादा आसान हो गया रेलवेज जैसे फेमिल्स एंड एपेडमिक्स के समय फास्ट डिलीवरी में काम आते थे फूड्स के एंड मेडिसिन के वैसे ही रेलवेज़ को रॉ मटेर एंड फिनिश गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिफ्टिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता था रेलवेज ने जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट को सेंट्रोइज किया उसी तरीके से रेलवेज ने कमर्शलाइन ऑफ एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया एंड रेलवेज का जो ऑप्टीमल यूज है वो ब्रिटिशअर्सी करते थे रेलवेज़ का एक्सेस यहाँ के नेटिव कैपिटल क्लासेस के पास उतना नहीं होता था तो रेलवेज वाज बेसिकली डन एंड रेलवेज वाज बेसिकली इंट्रोड्यूसड फॉर द ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इसके पीछे बहुत ही कम अगर मोटिव रहा भी होगा वेलफेयर का तो वो बहुत ही कम रहा होगा ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन रेलवेज ने रेलवे के जो दूरगामी परिणाम हुए वो इंडिया के फेवर में हुए कि इंडिया का जो जोग्राफिकल जो बैरियर था वो टूटा यहाँ के लोग एक दूसरे से मर्ज होना शुरू होते हैं एंड इंट्रैक्शन शुरू होता है जो कम्युनिकेशन गैप था वो कम हुआ एंड अल्टीमेटली हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे कि हम अपने देश को आज़ाद करवाते हैं सो so, चीज है एयर एंड यहाँ आप देख सकते हैं हवाई जहाज एंड नौकाए एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट सेफैक्ट्री कुछ पोर्ट्स डेवलप्ड थे वो भी ब्रिटिशर्स को ही सर्व करते थे उनकी कलोनियल इंटरेस्ट को ही सर्व करते थे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एयर ट्रांसपोर्ट के इंडस्ट्री में हुई तो एयर इंडिया हिस्टोरिकल एरा ऑफ इंडिया सो ये जे आर डी टाटा टाटा सन्स के बहुत ही इमिन चेयरपर्सन में से एक एंड इन्होंने एयर इंडिया को इस्टैब्लिश uh, किया था नाइनटीन थर्टी टू में बाद में इसको गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती है फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ एयर इंडिया की डिस इन्वेस्टमेंट करने वाली है एंड फिर से ये बात हो रही है कि टाटा ही उसको खरीदेंगे सी क्या होता है सो इंडिया वाज फाउंडेड बाई जे आर डी टाटा नाइनटीन थर्टी टू एंड बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी चीज थी इसका इसका इस्टेब्लिशमेंट एंड जे आर डी टाटा वॉज हम सेल्फ अ गुड एविएटर अ गुड पायलट ही हिम सेल्फ वॉज नाउ जो अगली कैटेगरी है वो कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स होते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा था एव कैन सी द लेटर बॉक्स भारतीय डाक एंड जो टेलीग्राफ्स होते थे टेलीग्राफ्स और पोस्ट को भी रिवोलूशनइज करा जाता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही क्योंकि वो एक्सपेंशनिस्ट था एक्सपेंशन के लिए एंड लॉर्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पोस्टल सर्विस एंड कम्युनिकेशन सर्विस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसके बाद इसकी इफिशेंसी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का भी इंट्रोडक्शन किया जाता है इंडियन मार्केट में इससे क्या होता था कि और जो कम्युनिकेशन था वो और ज्यादा तेजी से होने लगा इससे क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में या एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में बहुत ही आसानी हुई ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सो दैट वाज बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल नाउ एक कंक्लूजन में हम लोग यह पहुंचते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए वो इंडियन पॉपुलेशन को सर्व करने के मोटिव से नहीं किए गए वो ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए किया अगर ब्रिटिश अगर इंडियन पॉपुलेशन को सर्व करने का मोटिव रहा भी होगा तो वो बहुत मिनिमल था ज़्यादातर जो सोर्स थी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे चाहे रेलवेज आता है चाहे पोस्टल सर्विसेज का कर इंट्रोडक्शन करते हैं चाहे रोड्स बनाते हैं तो वो इसीलिए ताकि उनके कॉलोनी इंटरेस्ट सर्व हो सके उनका कॉलोनी एक्सपेंशन हो सके वो डोमेस्टिक मार्केट को सही से यूटिलाइज कर सके वो अपने फिनिश गुड्स यहाँ पे बेच सके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगा सके सो दैट वॉज द कंक्लूज़न Of infrastructure under the British colonial rule. So, hope you have enjoyed the concept. Hope you have understood the concept. Thank you for watching. Have a great day.